स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड. माई सेल्फ मिसेज निशा अग्रवाल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास सेकेंड सोशल साइंस, चैप्टर 10, वेज ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के तरीके. टॉपिक्स आर गेम्स, काइट फ्लाइंग, सर्कस, फेयर्स एंड पपेट शो. चिल्ड्रन, व्हाट इज रिक्रिएशन? रिक्रिएशन क्या है? एनी एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमारी टायर्ड बॉडी एंड माइंड को रेस्ट, पीस और रिलैक्स मिलता है, उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. एंड हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं. There are many different forms of recreation. Now, let's start. Doing something to relax is called recreation. जब हम रिलैक्स करने के लिए कुछ करते हैं उसको रिक्रिएशन कहते हैं. People relax and have fun in different ways. People अलग अलग तरीके से रिलैक्स और enjoy करते हैं. Some like to read story books and listen to songs on the radio. कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रेडियो पर गाने सुनना पसंद करते हैं. सम एंजॉय प्लेइंग खो खो विद देयर क्लासमेट्स. कुछ अपने क्लासमेट्स के साथ खो खो खेलना पसंद करते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक गेम्स. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सबको गेम्स खेलना बहुत पसंद है. दे रिफ्रेश अवर माइंड्स एंड वी फील रिलैक्स्ड. गेम्स हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं और हमें रिलैक्स फील कराते हैं. सम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स. कुछ बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है, लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. Some prefer to play indoor games. कुछ indoor games खेलना पसंद करते हैं, like chess, ludo and carrom. Do you know what is indoor game and outdoor games? Now, games played outside, जो games बाहर खेले जाते हैं in the open, उनको हम outdoor games कहते हैं. और जो game घर के अंदर खेले जाते हैं आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड. चिल्ड्रन स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लाइक बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल एंड क्रिकेट आर सम ऑफ देम. ये इनमें से कुछ गेम्स हैं. चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स लाइक लूडो, कैरम एंड चेस एट होम. चिल्ड्रन घर पर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लाइक लूडो, कैरम एंड चेस. नाउअडेज कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर. बट नाउअडेज कंप्यूटर गेम और वीडियो गेम बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं. आई नो ऑल ऑफ यू लाइक टू प्ले गेम ऑन मोबाइल. आप सबको तो मोबाइल पर ही गेम खेलना पसंद है ना. सम चिल्ड्रन लाइक टू स्पेंड देयर फ्री टाइम रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड वॉचिंग टेलीविजन. कुछ बच्चे फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, गार्डनिंग, गाने सुनना और टीवी देखना. बट आप सबको तो मोबाइल पर गेम खेलना पसंद है. Now, answer me. Name two games you play in your school. Any two games जो आप स्कूल में खेलते हैं, वो कोई भी दो गेम आपको नेम मेंशन करने हैं. Next, name two games you play at home. Any two games जो आप घर पर खेलते हैं. Next, some other means of recreation, मनोरंजन के और दूसरे तरीके. Kite flying, पतंग उड़ाना,
काइट फ्लाइंग इज़ द पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में रिक्रिएशन का पॉपुलर मीन्स है काइट फ्लाइंग। पीपल फ्लाई काइट्स स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स। पीपल पतंग कब उड़ाते हैं? स्पेशली फेस्टिवल्स पर, त्योहारों पर, लाइक मकर संक्रांति, ओणम एटसेट्रा। सर्कस। सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। सर्कस बहुत ही ओल्ड और पॉपुलर मीन्स है रिक्रिएशन का। क्लाउंस, जोकर, ट्रपीज आर्टिस्ट एंड एक्रोबैट्स, कलाबाज, परफॉर्म इन अ सर्कस, ये सभी सर्कस में परफॉर्म करते हैं। पीपल एंजॉय वॉचिंग देम, और लोग इनको देखकर एंजॉय करते हैं। फेयर, चिल्ड्रन आल्सो एंजॉय गोइंग टू फेयर्स, बच्चे फेयर्स में जाना भी बहुत एंजॉय करते हैं। मोस्ट फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स, अधिकतर फेयर्स जो होते हैं वो फेस्टिवल्स पर ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, एज सच एज दिवाली, क्रिसमस, दशहरा एंड न्यू ईयर। फेयर्स आर हेल्ड इन ओपन ग्राउंड्स विद लॉट्स ऑफ राइड्स, गेम्स, टॉयज, फूड एंड अदर फन एक्टिविटीज। फेयर्स जो होते हैं वो ओपन ग्राउंड्स में हेल्ड किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे झूले होते हैं, गेम्स, टॉयज और खाने के बहुत सारे आइटम्स एंड अदर फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट, पपेट शो। पपेट शोज आर वेरी पॉपुलर एमोंग विलेज चिल्ड्रन। पपेट शोज जो होता है वो गांव के बच्चों के पीछे बहुत ही पॉपुलर शो है। पपेट मीन्स कट पुतली। दीज शोज ऑफन टेल स्टोरीज डेट आर ह्यूमरस एंड हैव अ मोरल एज वेल। ये शो हमको स्टोरी दिखाते हैं जो कि उनकी अपने ही मन से बनाई हुई होती हैं, बट इनमें एक मोरल भी होता है जिससे हमें सीख मिलती है। पपेट शो इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। पपेट शो भी एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है। डू यू नो चिल्ड्रन वॉट इज पपेट? अ पपेट इज अ स्मॉल फिगर ऑफ अ डॉल, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, जो कि कपड़े के बने हुए होते हैं और इनके बॉडी पार्ट्स को एक धागे से अटैच्ड कर दिया जाता है और ये उसकी हेल्प से मूव करते हैं। और जो पपेटर्स होता है वो इनको पपेट्स को मूव कराता है और वो ही स्पीक्स एंड सिंग्स, वो ही गाता और बोलता है। नाउ 10 चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।